नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 10 जून 2021 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, ऐसे में भारत में कितने बजे से दिखाई देगा, इसका सूतक काल क्या होगा और आप गर्भवती महिलाओं को कौन सा काम करना होगा। मित्रों आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाएं जरूर करें ये छोटा सा काम, शिशु को कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपके जीवन में खुशियां होंगी। मित्रों वहीं सूर्य ग्रहण काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रहण होगा जो लगभग 5 घंटों का होगा। ऐसे में ये भारत में कब दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब लगेंगे तथा आप बताना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के साथ साथ हर मनुष्य को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, ऐसे में वो कौन से कार्य हैं जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान करने चाहिए और वे कौन से कार्य हैं जिनको सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करने चाहिए, कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आप धनवान बन सकते हैं, मालामाल बन सकते हैं और इस ग्रहण का आपके दैनिक दिनचर्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपको भी अपने शहर का जानना है कि आपके शहर में कब यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों 10 जून को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:42 से शुरू होंगे, जो कि सूर्य ग्रहण के समाप्ति शाम 6:41 पर होंगे। ऐसे में सूर्य ग्रहण की अवधि 5:39 पर होंगे और यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से रूस, मंगोलिया, भारत सहित यूरोप, ग्रीनलैंड, कनाडा और उत्तरी पूर्वी भाग और चीन के पश्चिमी भाग में दिखाई देने वाला है। सूर्य ग्रहण भारत में यह आंशिक रूप से दिखेगा और इसका सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से यानी कि 1:40 से लगने से पहले ही 12 घंटे पहले ही इसका प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल से ही गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। मित्रों वहीं कई प्रकार के ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं जिनको करने से गर्भवती महिलाओं को कोई भी शिशु को नुकसान नहीं होगा और आम मनुष्य को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे में आप चलिए जानते हैं वे कौन से कार्य हैं जो कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान घर से बाहर निकलना हानिकारक होता है। हालांकि आप घर के बाहर ना निकलें, सूर्य ग्रहण के दौरान घर के 4 दीवारी पर रहने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणें जो कि बहुत ही भयानक होती हैं, उनको आपके गर्भ में पड़ने से शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के साथ साथ हर मनुष्य को इसका पालन जरूर करना चाहिए और सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, जब भी ग्रहण का प्रभाव धरती पर पड़ता है तो आप सुनसान जगहों पर कभी भी न जाएं, शमशान घाट पर कभी भी ना जाएं। आपके घर में अगर मंदिर है या फिर आप देवी देवताओं की मूर्ति को बिल्कुल भी स्पर्श न करें और घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर दें। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान अगली जो बात वह है गर्भवती महिलाओं को चाकू, पिन, सुई जैसी नुकीली चीजों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वे इस अवधि के दौरान शिशु में विकृति का कारण बनती हैं। ग्रहण के दौरान चाकू, सुई, कैंची इत्यादि का उपयोग बिल्कुल भी न करें, इससे अजन्मे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखने की अवश्य कोशिश करें। जी हाँ, सुई धागा का उपयोग भी इस समय के दौरान निषेध होता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे, आप ग्रहण के दौरान भगवान का नाम लेने के अलावा कोई भी गलत कार्य न करें। मित्रों आप लोगों को खाना बनाना, खाना खाना या पानी तक भी पीने की मनाही होती है। ऐसे में अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यासे हैं तो आप पानी पी सकते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु रोगी मनुष्य, गरीब बच्चे और जो भी छोटे बच्चे हैं और जो भी बुजुर्ग हैं, उन लोगों पर ग्रह का कोई भी मान नहीं होगा। ग्रहण को
महिलाओं को कभी भी ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह हानिकारक हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से न देखें, इनसे आपकी आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए आप सोना भी नहीं चाहिए, उसे फर्श पर फैली हुई घास पर बैठनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण की शुरुआत से पहले भी स्नान कर लेना चाहिए और अगर हो सके तो आप दान पुण्य भी जरूर करने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का, संतान गोपाल मंत्र का और सूर्य मंत्र का, विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कई प्रकार के अशुद्धि और हानिकारक किरणें निकलती हैं, ऐसे में आप कुछ भी गलत कार्य को न करें। ग्रहण के दौरान भोजन पानी भी नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान स्नान भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इन सभी का मनुष्य के जीवन में असर जरूर पड़ता है। ग्रहण के दौरान आप गुरु मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और घर में रह रहे मंदिरों के कपाट को बंद कर देना भी आपके लिए आवश्यक होगा। 10 जून को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे, इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हो सके आपको सतर्क रहने की जरूरत होंगे। आप अपने घर के दौरान, ग्रहण के दौरान घर पर ही रहने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हो सके भगवान जी का मंत्रों का उच्चारण करें। जो भी मंत्र आपको आए उन सभी मंत्रों का पाठ करें।